आज सावन का पहला सोमवार है। सावन माह के पहले सोमवार को भोले बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु शिव गुफा व पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। चारों ओर शिव के जय घोष के वातावरण शिवमय हो गया है। शिवखोड़ी धाम में इस साल लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की जानिब से पूरे इंतजाम चाक चौबंद किए हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियां व कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम पर हमला कर दिया था, जिसके चलते एएसआई विनोद कुमार घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वहीं इस दौरान श्रीनगर के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर हम हामा में उन्हें स्पेशल डीजी सीआरपीएफ अधिकारियों की तरफ से पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला पुंछ के मैंडर सेक्टर में एक एक्सीडेंटल ग्रेनेड विस्फोट हुआ। विस्फोट तब हुआ जब नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिक ड्यूटी पर थे। इस एक्सीडेंटल ब्लास्ट में कई जवानों के चोटिल होने की समाचार है। वहीं इस हादसे के दौरान एक अधिकारी व एक जेसीओ ने दम तोड़ दिया। ऑल जेएनके एफपीएस डीलर्स एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा यूटी जेएनके के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने मांग की कि उनके 2.5 साल की कमीशन जल्द से जल्द रिलीज की जाए। अगर ये मसला जल्द हल नहीं किया गया तो हम 15 अगस्त से भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। जम्मू के विभिन्न शिव मंदिरों में आज सावन के पहले सोमवार के पवित्र अवसर पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। चारों ओर शिव के जय घोष के नारे लगते रहे, जिससे वातावरण शिवमय हो गया। आज के पवित्र सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित कर भक्त अपनी मनोकामना का फल पाते हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और उसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी तय है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना वोट डाला। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान किया। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जांच के आदेश और एफएए भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने की अफवाह को लेकर 5वें दिन भी यूपी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।